हेलो दोस्तों दोस्तों मेरे पास एलईडी एक ड्राइवर सर्किट और एमसीपीसी भी है। तो दोस्तों इस ड्राइवर सर्किट में ना प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार ना पहले हम इसको ना जो सप्लाई है वो सीरीज लैंप से देखते हैं और फिर देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। चलिए इसको सप्लाई देते हैं और उसके बाद देखेंगे ना इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखिए यहाँ से इसको एक कनेक्ट यहाँ कर दिया है, ठीक है, और दूसरी जो वायर है उसको भी कनेक्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं दोस्तों से प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखिए दोस्तों उसको मैंने सप्लाई दे दी है लेकिन ना जो हमारी एमसीपीसीबी है वहाँ से ना कोई भी आउटपुट नहीं मिल रही, कोई लाइट नहीं आ रही। तो एक बार तो ना दोस्तों ना पहले ना इसकी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज कितनी आ रही है, ठीक है। तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी की रेंज में और उसके बाद चेक करते हैं इसमें वोल्टेज कितनी आ रही है। देखिए मैं चेक करता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए अभी इसमें जीरो वोल्टेज शो कर रहा है तो मीन्स हमें आउटपुट में कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही है, ठीक है। तो एक बार इसका कनेक्शन हम बंद कर देते हैं और इसको ना हटा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले सर्किट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। देखिए इस तरह का है ये, आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये ना हाफ मतलब सिंगल मॉस्फेट का है, डबल जैसे ये आईसी देख रहे हैं ना, तो ये आईसी ना डबल मॉस्फेट के लिए भी आती है लेकिन ये देख रहे हैं आईसी, ये सिंगल मॉस्फेट के लिए। तो इससे जो हम आउटपुट ले सकते हैं ना वो दोस्तों 5 से 7 वाट का जो बल्ब है वही हम से जला सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ना सर्किट के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे आपका न्यूट्रल और फेज जाता है इन दोनों में, ठीक है। तो उसको मान के चलते कि फेज जा रहा हमारा, देखिए फेज है और यहाँ से देखिए एक रेजिस्टेंस लगी है यहाँ पर, ठीक है। और रेजिस्टेंस लगने के बाद देखिए दोस्तों ना ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ना एक कॉइल लगा हुआ है और कॉइल से ना यहाँ पे दिख रहे हैं ये ना, देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है MB10F, तो ये ना रेक्टिफायर है, ठीक है। तो ये रेक्टिफायर है, जब सप्लाई इसमें आती है दोस्तों तो ये ना DC बदलता है, DC में कन्वर्ट करता है। तो उससे पहले ना देखिए यहाँ पे, देखिए ये ना एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये और ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, और जब हमारी DC बन जाती है ना उसको स्मूथ करने के लिए एक और कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो मेन अभी क्या हमारे क्या रहा है दोस्तों फॉल्ट, कि मेन हमारा ना ये सप्लाई में आ नहीं रही है, ठीक है। तो एक बार ना इसकी वोल्टेज चेक करते हैं और उसके बाद देखते हैं दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा छील लेते हैं वायर को और उसके बाद देखते हैं दोस्तों ना सप्लाई देके देखते हैं इसकी ना इसकी वोल्टेज चेक करते हैं कितनी वोल्टेज आ रही है। चलिए इसको लगा लेते हैं हम, देखिए इसको सप्लाई देते हैं यहाँ से, ठीक है, और एक यहाँ से दे देते हैं, ठीक है। इसको उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद वोल्टेज की चेक करते हैं, ठीक है। AC वोल्टेज और DC वोल्टेज चेक करते हैं कहाँ पे हमारी वोल्टेज कितनी आ रही है। तो मल्टीमीटर को पहले हम 750 की रेंज रख लेते हैं और एक बार चेक करते हैं हमारी आउटपुट, जो इनपुट आ रही है दोस्तों वो चेक करते हैं पहले और फिर आउटपुट चेक करते हैं। तो पहले तो देखिए दोस्तों ना हम इनपुट चेक करते हैं इसकी, देखिए 750 रखा हुआ हमने मल्टीमीटर को, देखिए यहाँ पे हमारी वोल्टेज आ रही है 190 के लिए आ रही है। रात के समय वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें वोल्टेज ड्रॉ हो गई है, तो 190 हमारी वोल्टेज आ रही है। तो अब ना दोस्तों इसमें क्या है, देखिए अब देख रहे हैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस जा रही है। तो एक बार ना वोल्टेज यहाँ भी चेक करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो देखिए हमारी यहाँ वोल्टेज तो आ ही रही है, देखिए यहाँ हमारी वोल्टेज आ रही है, यहाँ वोल्टेज आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ वोल्टेज देखेंगे जो रेजिस्टेंस लगी है, देखिए यहाँ कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ना वोल्टेज बिल्कुल शो नहीं कर रहा है,
तो उसका एक बार ना फिर इसको जो रेजिस्टेंस है उसको चेक करते हैं, ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं और उसका रेजिस्टेंस निकाल के चेक करते हैं। चलिए इसको निकाल लेते हैं हम रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखिए थोड़ा इसको फंसा लेते हैं यहाँ पे, और इसको ना रेजिस्टेंस निकालते हैं और फिर इसकी वैल्यू चेक करते हैं कितनी वैल्यू आ रही है इसकी। देखिए ये निकल गया रेजिस्टेंस हमारा, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी निकाल लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये रेजिस्टेंस निकल गया हमारी और इसको एक बार चेक करते हैं हम। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों ना ये लगभग हमारा 100 ओम भी लगाया जाता है, 47 ओम भी लगाया जाता है, 70 ओम भी लगाया, 68 ओम भी लगाया जाता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसमें कितनी दिखा रहा है। देखिए कुछ भी शो नहीं कर रहा है यहाँ पे ना, 200 ओम की ओम में रख रखा है हमने और ये कुछ भी शो नहीं कर रहा रेजिस्टेंस जी। तो दोस्तों शायद ये ना यही ख़राब है दोस्तों। इस सर्किट के अंदर ना काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे आपकी आईसी वगैरह चेंज करनी है, वो करनी है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या सिर्फ शौकिया ना इसको ठीक कर रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सारी मशीन्स हो आईसी वगैरह निकालने के लिए, या जितने भी SMD रजिस्टर्स वगैरह या कैपेसिटर कोई भी है ना उसके निकालने के लिए आपको प्रॉपर टूल चाहिए होते हैं। तो जैसे कि इस समय सिर्फ हमारे पास आयरन ही है ना, तो हम इसके ना मोटे मोटे पार्ट ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस लगा कर सही हो जाता है एक बार और चेक करेंगे, नहीं तो दोस्तों ये सर्किट ना हमारे लिए कुछ काम करनी होगा, क्योंकि सस्ता आता है इतना महंगा भी नहीं आता है। तो इसको नया लेकर लगा देंगे यहाँ पे तो सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा आइटम नहीं है, मुश्किल से 10-15 रुपये में मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर नया भी लगा सकते हैं हम। तो पहले एक ना रजिस्टर लगा देते हैं हम। देखिए रजिस्टर है इसकी, मैं रजिस्टेंस चेक करा देता हूँ आपको कितनी रजिस्टेंस आ रही है इसकी। देखिए 68 के करीब है, तो उसको लगाते हैं इसमें और फिर ना इसको चेक करेंगे। चलिए इसको लगाते हैं, इसको थोड़ी सी ना इसकी नॉब, ये मैंने पुराना निकाला हुआ है। चलिए मेरे पास एक और पड़ा हुआ है, इसको लगा लेते हैं। चलिए इसको यहाँ लगा लेते हैं और इसको यहाँ लगाते हैं, इसको प्रॉपर इसके ना हॉल में डालने होते हैं हमको। देखिए ये बैठ गया, अभी यहाँ पे इस तरफ नहीं आया। चलिए यहाँ पे इसको लगाते हैं और फिर ना इसको चेक करेंगे सप्लाई करके। चलिए इसको ये लग गया है, ठीक है दोस्तों ये जुड़ गया है। चलिए अब ना इसको सप्लाई देते हैं और फिर सप्लाई देकर ना देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलिए इसमें ना सीरीज जो लैंप के उसके कनेक्शन कर देते हैं और फिर ना सप्लाई देकर देखते हैं इसको। दोनों कनेक्शन कर दिए और एक बार इसको ऑन कर लेते हैं। ये देखिए ना पूरा जो MCPCB ये ढंग से काम कर रहा है, जो लाइट है फुल ग्लो के साथ जल रहा है। तो एक बार ना इसकी DC वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितनी इसकी वोल्टेज आ रही है। दोस्तों इसके ना आउटपुट पे 63 वोल्ट का कंडेंसर लगा हुआ है, तो उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। तो पॉलिटी का ध्यान रखकर ना एक बार इसको चेक करते हैं कितनी वोल्टेज आ रही है इसमें। देखिए ये देखिए वोल्टेज आ रही है इसमें 62.3 आ रही है, बिल्कुल सही वोल्टेज आ रही है आउटपुट में। तो अब ना एक बार इसको ऑफ़ कर लेते हैं और ऑफ़ करने के बाद दोस्तों ना जो MC जो हमारा ड्राइवर है दोस्तों, उसको एक बार ना मेन कंडेंसर होता है ना, एक बार उसको ना डिस्चार्ज कर लीजिएगा। देखिए ये देख रहे हैं 63 वोल्ट वाला, तो कई बार ये ना चार्ज हो जाता है कई बार, तो उसको डिस्चार्ज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ना आप आसानी से घर बैठे अपने जो बल्ब है उसमें जो प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।